माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हमारे यहाँ पुलिस हाउसिंग की एक लंबे समय से समस्या थी। सभी पुलिस वालियों को आवास मिले, ये चिंता के साथ आज 8000 आवास मध्य प्रदेश में हमारे आरक्षकों के लिए बनाने का आज तय किया है। जेल विभाग के अंतर्गत जो 2928 कर्मचारी अस्थाई पदों पर कार्य कर रहे थे, उनकी निरंतरता को बनाए रखने का भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। एक महत्वपूर्ण अन्य निर्णय में पूंजी निवेश के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकारी दखल रहित भूमि के आवंटन की एक नीति को आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। दो महत्वपूर्ण स्थान जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, देवास जिले में उदयनगर को टप्पा तहसील बनाने का और नई सराय जिला अशोकनगर को तहसील का दर्जा देने का भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में हमारे जो सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नति के हेतु अर्हता जो सेवा थी उसे शिथिलीकरण किया है, जिसे अपन ARTO से RTO बनने का, ARTO से प्रमोशन RTO का होता था, उसमें अभी तक अर्हता प्रमोशन के लिए 5 साल की चाहिए थी, उसे घटा के अब एक बार की छूट में 2 वर्ष किया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत संचालित 17 शैक्षणिक विभागों हेतु 116 तृतीय श्रेणी के एवं 137 चतुर्थ श्रेणी के पदों के सृजन की स्वीकृति विश्वविद्यालय को देने का आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया है। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने जो छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सलाइटों ने हमला किया था, उस दुखद घटना के लिए दुख व्यक्त किया है और उस घटना जिसमें वरिष्ठ नेता श्री नंद कुमार जी पटेल, उनके चिरंजीव महेंद्र कर्मा जी जिनकी अलग पहचान थी राजनीति के अंदर, ऐसे 30 लोगों की जो मृत्यु हुई उस पर दुख व्यक्त किया, शोक व्यक्त किया गया, मौन 2 मिनट का कैबिनेट के अंदर रखा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर ये समस्या अकेले छत्तीसगढ़ की नहीं, प्रदेश के कई प्रदेशों की है, देश के कई प्रदेशों की है, तो एक समग्र नीति बनना चाहिए। 5 तारीख को जो इंटरनल सिक्योरिटी की मीटिंग दिल्ली में है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें जाएंगे। कैबिनेट ने तय किया है कि उनके परिवारजनों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, मध्य प्रदेश के उनके समर्थक अनुयायियों को ईश्वर यह दुख सहन करने की शक्ति दे। इस संकट की घड़ी में मध्य प्रदेश की सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के साथ में खड़ी है। हम सबको मिलकर के इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, सख्ती के साथ कदम उठाना चाहिए, ऐसा तय किया है।